हम वहाँ थाना में दिए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, गरीब आदमी है। हमारा समस्या के हल हो, हम अपना परिवार को साथ अच्छा से जिंदगी जिए। घर में नहीं रहेगी, नहीं रखेंगे। तीन बार चार बार घर में गए, मार के बिला दिया। तीन साल से नहीं रख रहे हैं। हाँ, दूसरे शादी कर लिए हैं। सास आके भसुरा के हमको मारने लगा। जो करना है कर लो, हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे, तुमको नहीं रखेंगे। कि तुमको जितना पावर लगाना है लगा लो, तुमको नहीं रखेंगे। तो आग लगा के हमको घर में जलाने जाते थे, तो खिड़की खोल के हम घर में से भागे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम। लंबे अरसे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से जनता दरबार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर से जो फरियादी अपनी फरियाद को लेकर जनता दरबार में पहुंचते हैं, उनकी शिकायतों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनते हैं। कुछ ऐसे भी फरियादी होते हैं जिनका जो आवेदन है वो ऑनलाइन नहीं हो पाता है, जिसके कारण उन्हें पटना आना पड़ता है। ऐसे में हमारे साथ एक महिला है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवांती देवी है, पति का नाम रामाधार माझी। कहाँ से आई हैं? हम अभी आए हैं अपने मायके से, महाराजगंज से, शंकरपुर सकरी से। और हमारे ससुराल है महादेवा शिव मंदिर। हमारे ससुर का नाम है स्वर्गीय लक्ष्मी माझी, भसुर का नाम है रामा शंकर माझी। सास क्या के है मामला जो आज आप यहाँ पे आई हैं? मेरा मामला है कि हम वहाँ थाना में दिए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। महिला थाना गई और बुलाई, वो लोग नहीं आया। तो हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, गरीब आदमी है। इसी कारण यहाँ से हम आए हैं कि चल के जाएं, कि यानी हमारा समस्या के हल हो, हम अपना घर में जाएं, रखें, हम अपना परिवार को साथ अच्छा से जिंदगी जिए। शादी कर लिया है तभी हमको पूछे बुलाए, हमको उससे कोई इतराज नहीं है। तभी वो लोग, उसका मम्मी, वो कह रही है कि घर में नहीं रहेगी, नहीं रखेंगे। तीन बार चार बार घर में गए, मार के बिला दिया। क्या समस्या है आपका? समस्या है, यही समस्या है कि हमको तीन साल से नहीं रख रहे हैं। तीन साल से मायके में है, हमारे पति शादी कर लिए हैं। दूसरे शादी? हाँ, दूसरे शादी कर लिए हैं, बाल बच्चा नहीं है। तो वो हमको कहीं दिखाए नहीं, कहीं इलाज नहीं कराए। हम अपने किस्ती उठा के एक दो बार दिखाए हैं, तो पैसा नहीं जुटा तो नहीं दिखा पाए। उसके कारण हुआ कि हमको लिया के मायके में छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो फिर फोन तोन करना सब बंद कर दिया। उसको मम्मी सिखा दी फोन नहीं करो, फोन नहीं किया। हम अपना पैर उठा के ससुराल में तीन बार गए, तीन बार गए तो पति कोई सुनवाई नहीं किया। इधर देख के मुंह हटा लिया, और सास आके भसुर आके हमको मारने लगा, मारने लगा। तो हम आए तो थाना में गए, थाना चौंपा, थाना हम घर आ गए, लेट हो रहा था, घर आ गए। उसको कारण कि अब कह रहा है कि तुमको जो करना है कर लो, हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे, तुमको नहीं रखेंगे। कब हुई थी आप लोग की शादी? हम लोग की शादी 2007 में हुआ था। 2007 में? उसके बाद कब तक आप लोग साथ थे? हम लोग 2020 तक ले साथ में। 2020 तक? हाँ हाँ, अभी तीन साल से हम लोग क्या ऐसे चल रहा है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की है इससे पहले? इससे पहले हम अभी शिकायत कहीं नहीं की है, यही आवेदन लिख के दिए हैं। बता तो रहे हैं कि थाना में दिए हैं, महिला थाना में दिए हैं, उपी थाना में दिए हैं। थाना द्वार पर गया, उनको समझौता किया, समझौता करने के बावजूद, ये थाना के बावजूद शादी किया है। तो ससुराल वाले आपको रखना नहीं चाह रहे? नहीं नहीं, बोल रहे हैं कि तुमको जितना पावर लगाना है लगा लो, तुमको नहीं रखेंगे। इसी कारण अब हमको यहाँ चौंकना पड़ा। तो यहाँ आवेदन दी थी? आवेदन दिए हैं तो बोले हैं लोग कि ऑनलाइन कराना पड़ेगा। तो अब ऑनलाइन कहाँ से होगा, जा रहे हैं देखेंगे कहाँ से होगा, वहाँ से करवाएंगे। अबे क्या लगता है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे मुलाकात करेंगे तो जो आपकी समस्या है उसका हल होगा? हाँ, तो अब उनसे जब हमको मुलाकात होगा तब ना समस्या के हल करेंगे, तब ना। अब दोनों से तो कोई फायदा नहीं है, उतना दूर से हम चल के यहाँ आए हैं, यही बात है। पर ससुराल वाले मारते पीटते भी हैं क्या? हाँ हाँ, मारते पीटते। एक बार तो आग लगा के हमको घर में जलाने जाते थे, तो खिड़की खोल के हम घर में से भागे थे। तो उसके बाद भी आपने महिला थाना और ओपी थाना में कंप्लेन किया? हाँ, कोई सुनवाई नहीं? हाँ गए हैं, अभी कागज लगे रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं किया। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि सिवान से महिला जो है वो रोते रोते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंची हैं, और इनका कहना है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और ससुराल वाले जो है वो मुझे मारते पीटते भी हैं, एक बार जलाने की कोशिश भी की है, और
आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जितने भी प्रदेश भर से फरियादी आते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना होता है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलते हैं, पर इनका जो ऑनलाइन आवेदन है वो दाखिल नहीं हुआ है, इन्हें मालूम नहीं था। ऐसे में ये महाराजगंज से पटना पहुँच गई हैं। अब देखना होगा कि जब इनका ऑनलाइन आवेदन होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इनकी फरियाद को सुनते हैं तो इनकी समस्या हल होती है या नहीं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।